भारत का राज्य असम, जहाँ की आबोहवा में एक बड़ा बदलाव आया है। कुछ साल पहले यहाँ के हालात कुछ और ही थे। ज्यादातर लोगों को परिवार चलाने के लिए चाय के खेतों पर काम करना पड़ता था, लेकिन कम मेहनताने की वजह से उनके लिए शहरों की तरफ रुख करना ही आखिरी रास्ता होता। ऐसे ही कुछ हालात का शिकार हुआ असम में नौगांव के बजिया गांव ब्लॉक में रहने वाला बिजित। यह है बिजित, जिसने गरीबी से भागने के लिए दूसरे शहर का रुख करने का फैसला किया और बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करने की सोची। नौकरी तो मिली, लेकिन आत्मसम्मान चला गया। ऐसी नौकरी जिसमें ना तो इज्जत थी और ना ही पैसा। मैंने की यारो गाखीर दो टाइम खिराओ, दो टाइम बेचू सामग्री। जब मैं गांव में था तो यहां काम नहीं था, इसलिए शहर काम की तलाश में चला गया। वहां एक कंपनी में काम तो मिला, लेकिन बहुत छोटा काम था, कोई इज्जत नहीं थी, ना ही पैसे कुछ ज़्यादा थे, घर चलाने में काफ़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने गांव में आना ही ठीक समझा। आखिरकार शहर में भी मुश्किल से गुजारा होने के कारण बिजित ने गांव वापस आने की सोची। गांव आकर उसे स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला और उसने बिना देर करे खंड विकास अधिकारी से बात की और स्वयं सहायता समूह शुरू किया। मैंने याद धर गुटबूरे आत्मसहार गुट खुले तमार सामगुरी बजिया गांव ब्लक थ्रुदी पे गम पाल गुट उठिले। जब मैं यहाँ लौट कर आया तो मुझे कुछ लोगों से स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला। फिर मैंने 12-13 लोगों को मिलाकर ये ग्रुप खोला और खंड विकास अधिकारी के पास जाकर पूछा कैसे काम करना होता है। फिर मैंने एक गौ पालन का काम शुरू किया। गुरु पुहिलु गटा गुटुए तारपर इतिया माने ভাল ভাল ইনকাম ভাল ভাল এটা সহায় হৈছে গুটে গুটুর মানুখিনি। स्वयं सहायता समूह खोलने से पहले उसने विस्तार प्रशिक्षण केंद्र से गौ पालन का प्रशिक्षण लिया और साथ ही उसे सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई। मतलब डांगो कंपनी रसिलो खोरु साकरी करिसिलो तात माने ভালেমান কি বছৰ থাকিলো। जब मैंने गौ पालन का काम शुरू किया तो मुझे उसका कोई अनुभव नहीं था। फिर मुझे ईटीसी से इसके कार्य से संबंधित प्रशिक्षण के बारे में पता चला, तो मैंने भी वहां से प्रशिक्षण लिया और काम शुरू किया। मुझे सरकार से इसके लिए सब्सिडी भी मिली है। प्रशिक्षण लेने के बाद बिजित ने गांव में गोपालन का काम शुरू किया और आज उसकी आमदनी तो बड़ी ही है, साथ ही साथ आज उसके पास वो इज्जत भी है जिसकी उसने आस की थी। बहुत खिनी बेले हुई गल गए। आज मेरा घर अच्छा चल रहा है, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। पहले 2 गाय खरीदी थी, फिर दूध बेचकर पैसा कमाया। जैसे ही मुनाफा मिला मैंने 5 गाय और खरीद ली। आज मेरे पास 7 गाय और 7 बछड़े हैं। 2 मैंने बेच दिए क्योंकि बैंक को भी पैसा देना पड़ता है। ये सिर्फ एक बिजित की कहानी ही नहीं जिसके जीवन में स्वयं सहायता समूह से रोशनी आई है। बिजित जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर अमोनी के डिगोंडा ने भी स्वयं सहायता समूह के तहत कुछ लोगों का समूह बनाया और गौ पालन का काम शुरू किया, जिससे उस पर से भी बेरोजगारी के बादल छट सके। आमी माने प्रथमे बहुत कष्टत चलिबलगिया होइसिले, लोकर घर आमी काम करिबलगिया। पहले मैं बहुत परेशान था, कोई काम नहीं था। फिर मैंने आसपास के लोगों को देखा कैसे वो स्वयं सहायता समूह में काम करके अपना पूरा परिवार चला रहे हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है। मैंने भी 4 लोगों को लिया और एक गुट बनाया और गौ पालन का काम शुरू किया। हमें बेसिक ही नहीं पड़ा अलग क्या अठोर क्षेत्र अकमान लाभवान हुई। प्रशिक्षण लेने के बाद डिगोंटो ने गाय खरीदी और दूध बेचने का काम शुरू किया। मुनाफा कमाने के बाद डिगोंटो जहां घरों में दूध बेचता था, वहीं उसने आज डेयरी में भी दूध बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसने बैंक का लोन तो चुकाया ही है, साथ ही साथ अपना काम भी बढ़ाया है। जब मेरा प्रशिक्षण हो गया तो मैंने अपने हनुमान स्वयं सहायता समूह के लिए गाय खरीदी और दूध बेचना शुरू करा।
जैसे जैसे काम बढ़ा मेरा मुनाफा बढ़ता गया। आज मैं घरों में तो दूध बेचता हूँ, साथ ही साथ मैं डेयरी में भी दूध बेच रहा हूँ। असम में चल रहे इन स्वयं सहायता समूह से लोगों का पलायन तो रुका ही है, साथ ही साथ अपने घर पर रहकर ही इन स्वयं सहायता समूह के जरिए अलग अलग काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे घर के पास मुफ्त में सुअर के खाने के लिए इंतजाम हो सकता है, तो मैंने सोचा इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। पहले मेरे पास काम नहीं था तो मैंने सुअर पालने का काम शुरू किया। आज मुझे अच्छा फायदा हो रहा है। आज असम में इन स्वयं सहायता समूह और अपने अंदर की लगन से यहाँ के लोगों को एक बेहतर जीविका का जरिया प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ वो इज्जत मिली है जिसे कमाने में सारी उम्र कम पड़ जाती है।